हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स 100% वर्किंग ट्रिक। और ये वीडियो है लक्ष्य चौधरी। ओके, तो लक्ष्य चौधरी के चैनल पे ये वाला वीडियो वी आर गोइंग टू वॉच इट, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल 100% वर्किंग। ठीक है, सो या लेट अस सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। लड़की कैसे पटाएं, हाउ टू बिकम अ प्ले बॉय, कैसे करें डेट। यूट्यूब पे अगर कोई मेरा सबसे फेवरेट कंटेंट है ना, वो यही है, यही कैटेगरी है। इससे किसी का फायदा आज तक नहीं हुआ, पर एंटरटेनमेंट भरपूर। पांच मैनली जेस्चर्स जो लड़कियों को बहुत पसंद है। नंबर वन, अगर तुम उसके साथ रोड पे चल रहे हो, देन मेक श्योर कि वो ऑनकमिंग ट्रैफिक की साइड नहीं चल रही है और वो फुटपाथ के उस साइड है, ताकि अगर कोई गाड़ी इधर उधर चली जाती है, कुछ भी चीज होती है, देन यू आर प्रोटेक्टिंग हर। क्यों भाई, मैं कौन सा अपने माँ बाप के फालतू हूँ, मजे वो करे और मरने के लिए ट्रैफिक वाली साइड मैं चलूं। नहीं भाई, आधा आधा चलेंगे, आधी बार बाहर की साइड मैं चलूंगा, आधी बार बाहर की साइड वो चलेंगे। हाँ, अगर पुणे में होंगे तो मैं सिर्फ अंदर की साइड चलूंगा। नंबर टू, अगर तुम डेट पर बाहर हो एंड इफ द गर्ल इज नॉट वेयरिंग अ जैकेट एंड इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, टेक ऑफ योर जैकेट एंड गिव इट टू हर, शी इज गोइंग टू बी इंप्रेस्ड। करती भाई फिल्मों वाली बात, मैं तो नहीं दे रहा अपनी जैकेट, इतनी सर्दी है तो अपनी खुद घर से लेके आए ना, कैफे में स्ले तो करे वो, और जब बाहर निकल के सर्दी लगे तो मेरी जैकेट वो पहने और मैं नंगा घूमूं सर्दी में, कतई नहीं। इक्वालिटी, या तो पहले ही अपनी लेके आए या फिर सर्दी जेल। और रही जैकेट देने वाली बात, भाई वो लड़के क्या करेंगे जो हाथ के बुने हुए ऊन के स्वेटर पहनते हैं। जब भी तुम एक लड़की के साथ डेट पे गए हो, वहां पे बिल आ रहा है, डू नॉट एक्ट लाइक अ चीप पर्सन। वहां पे ऐसे मत सोचो कि यार वो लड़की बिल देगी, मैं पैसे क्यों दूं। बी अ मैन, टेक पिक अप द चेक, पे द बिल। दे दूंगा बिल मैं ही, लेकिन फिर वो बस मुझे खाता हुआ देखेगी। थ्री टॉक्सिक थिंग्स जो मेरे जैसी लड़कियों को बहुत पसंद है। नंबर वन, गर्ल्स लव व्हेन यू मेक देम वेट। ऐसा नहीं कि तुम आज मिले हो, आज डेट पे गए हो, शाम को टेक्स्ट कर रहे हो, अरे बेबी कब मिलेंगे, प्लीज आई एम डाइंग टू मीट यू। पॉइंट नंबर सेकंड, पहले बहुत सारा अटेंशन दो और फिर भाग जाओ। मैंने ट्राई की थी भैया ये टेक्निक, साली को इतना वेट करा दिया, इतना वेट करा दिया। ये कौन सी टॉक्सिसिटी है भाई, हमको नहीं पसंद ऐसे। भाई इतना माइंड गेम खेलोगे ना तो प्यार तो नहीं होना, ब्रेन हेमरेज जरूर हो जाएगा। कि तुम जब भी किसी लड़की से पहली बार मिल रहे हो, ये मत सोचो कि तुम लोग स्ट्रेंजर हो, तुम वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो। अच्छा, वैसे ही बात करूं मैं से जैसे मैं अपने दोस्तों से करता हूँ। और बहन की लोड़ी ठीक है, आजकल तो अपने बाप को याद भी नहीं करती। Let's say you meet a girl, you go out for a date. Post sex etiquettes. इसीलिए 1947 में आजादी मिली थी ना तुम्हें? सालों यही दिन देखने के लिए मुकेश खन्ना ने शक्तिमान के 3 एपिसोड चलवाए थे दूरदर्शन पे। इस जनरेशन के दल्लापन देखने के लिए हमारे दादा परदादा जमीनी विवाद कर रहे थे। मुझे आज पता चला कि पोस्ट सेक्स एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो मैं तो सोचता था कि इसके बाद तो सीधा अपना अंडरवियर ढूंढना होता है। वैसे भाई ये पोस्ट एटिकेट्स वाली बात तो ठीक है, पर प्री वाला भी तो कुछ बताओ, लड़की मिलेगी कहां से? वन थिंग लीड्स टू अनदर, वो भी कैसे? हमारी 99% ऑडियंस तो इससे रिलेट ही नहीं कर पा रही। यूज द कांसेप्ट ऑफ एस्केलेशन लैडर। तुम टचेस को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करते हो, जैसे हाई फाइव, थंब फाइट करना, हाथों का साइज मेजर करना, छोटे से हाथ हैं इसके कितने, एंड देन धीरे धीरे करके मूविंग टू द किस। थैंक यू भाई, आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने लास्ट 5 दिन जेल में कैसे गुजारे मुझे पता है। भाई की बताई हुई ट्रिक यूज कर सकते हो तुम, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल मत करना, क्योंकि जेल में पंखे भी नहीं होते, गर्मी बहुत लगेगी। प्लेबॉय कैसी बनती है? प्लेबॉय का मतलब होता है जो ज्यादा ही डैशिंग लुक होता है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला होता है, इतने नहीं उसके पास लड़कियों की कमी नहीं होती, और वो लड़कियों से जी भर कर तू तड़ैक करके बात कर सकता है, और उससे लड़कियां फिर भी हाँ जी हूँ जी में रिप्लाई करती है। प्लेबॉय तो नहीं, पर भाई मुझे किसी के रिटायर्ड दादाजी का डिस्क्रिप्शन जरूर लग रहा है। पैसे वाला, डैशिंग लुक, लड़कियां हाजी हुजी करके बात करती हैं। ये तो मेरे यूपी पुलिस से रिटायर्ड दादाजी हैं। भाई मुझे भी बना दो यार ऐसा प्लेबॉय। ये किसी बात पर हार नहीं मानता। अगर वो किसी लड़की के साथ फ्लॉट कर रहा है तो फ्लॉट भी कुछ इस प्रकार करेगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम ही मेरे पास आ रही हो तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पहले 1:1 जेंडर रेशियो वाली कंट्री में ये एडवाइस दे रहा है तू? प्लेबॉय तो नहीं, पर इससे रनवा जरूर रह जाएगा इंसान, और ये सब हरकत करके रूमर्स अलग फैल जाएंगे समाज में कि इसका तो खड़ा भी नहीं होता। बातें में दम है ना, अगर आप बातें बोलने के तरीका जानते हो ना तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, हर कोई आपके लाइफ में आकर पूछना चाहेगा कि क्या भाई मैं तेरे लाइफ में आ रह सकता हूँ, तो वो होता है प्लेबॉय। प्लेबॉय की लाइफ है या 4BHK फ्लैट है कि उसकी लाइफ में आके रहना चाहते हैं लोग? ये मेंटोर मुझे खुद झारखंडी प्लेबॉय लग रहा है। भाई साहब प्लेबॉय बनने आया था मैं, नोएडा में मकान मालिक नहीं बनना मुझे। अगर ये तीन क्वालिटीज आपके अंदर है ना, लड़की आप में मर मिटेगी। पहली चीज अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, उनको फर्क नहीं पड़ता लड़की बात करे ना करे, किसी और से बात करे। ये टी शर्ट क्या है, ये शर्ट क्या पहन रहे हो, बात क्यों करी, कहां? ठीक है भाई, आपने मुझे बोल दिया, अब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर किसी भी लड़के से बात करे, डेट करे, उसके साथ गुची पू कर ले, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए मुझे। इंडिया बी फिट सतरंगी बाल वाले भाई ने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि अपने इमोशंस पे काबू रखना है, तभी वो मुझ पे मर मिटेगी। वो बाहर कुछ भी करे लेकिन मर मिटेगी तो मुझ पे ही ना। थैंक यू फॉर योर पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज भाइयों, उनकी लाइफ में ना कुछ गोल्स होते हैं, उन्हें कुछ करना होता है, आपकी तरह नहीं खाली बैठा तो चलो चैटिंग ही मान लेता हूं, क्या हिला ही लो। और तीसरी चीज, जो अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते
तेल। भाई एक बात बता, तूने अपना कोई सा पॉइंट कभी अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है? नहीं, क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी देख के मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरत तो तुझे खुद ही है। जिस तरह की शर्ट के साथ तूने बाल रखे हुए ना, तो जीबी रोड पे भी रिजेक्शन ही मिलेगा। भाई तीन ऐसी राममान चीजें बताऊंगा, लड़की तुम्हें अपने आप दे देगी अपना दिल। लड़की सीधा नंबर तो देगी नहीं। अब आप इंस्टाग्राम पे बात करोगे ना भाई, 100-200 में ना डीएसएलआर से फोटोशूट करा लो, 100-200 वाला डीएसएलआर फोटोशूट। भाई तो लड़कियों को पास आने की एडवाइस दे रहा है, दूर भगाने की। डंडवा कह के इंस्टाग्राम अकाउंट रख लू। लड़की को ये तो लगेगा कि भाई कुछ सीक्रेटिव है, कुछ छुपा हुआ, कितना मैच्योर लड़का, इसके अंदर तो कुछ बात है। मिलियन से इंस्टा की डीपी हटा दी इन्होंने, मतलब मजाक बात है क्या? मैच्योरिटी इनके फेस से टपक रही है, कामयाबी इनका नंबर मांग रही है कदम चूमने के लिए। लड़की अपनी कलाई पे ब्लेड से इनका यूजर नेम काट के बैठी है कि कौन है इतना अच्छा मैच्योर लड़का जो मेरी स्टोरी में स्टैंड आउट कर रहा है। कैबिनेट में इनके चर्चे चल रहे हैं, अपने आप में मिस्ट्री बन चुके हैं ये, एक अनसुलझी पहेली। आ नहीं रही बैटमैन वाली फीलिंग। थ्री हेयर कट मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। सबसे पहली आती है दोस्तों रेफरेंस पिक ना होना। हमेशा अपने पास एक रेफरेंस पिक रखो, जैसे आपको हेयरस्टाइल करवाना है किसी मॉडल का। भाई मैं तेरी रेफरेंस पिक लेके गया था, सैलून वाले ने मेरे मुंह पे थूक दिया और शटर बंद कर दिया वहीं के वहीं। कह रहा भैया पैसे लेके तो आपका चूतिया नहीं बना पाऊंगा मैं। ये जो रेफरेंस पिक की बात कर रहा है ना, इसके जैसे लोंडे खुद ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स को मैनिपुलेट करते हुए नजर आते हैं। भैया फेशियल कर दूं O3 वाला, नहीं भैया हेयर स्पा कर दूं, नहीं सस्ता लगा देंगे आपके लिए। तो आज मैं हेयर कट कराने गया और तीन ऐसी गलतियां जो अक्सर लड़के करते हैं हेयर कट कराते वक्त आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहली गलती, मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, तो एक मॉडल की फोटो लेके आ रखा था, नाई वाले से बोल रहा ऐसे बाल काट दो मेरे सेम टू सेम। तो नाई वाले ने उसके मुंह पे मना कर दिया कि भाई बहुत बेकार लोग, ऐसे बाल मत कटाओ। तो एग्जैक्टली किसी का भी कॉपी मत करो। अभी तो पिछली वीडियो में तो कुछ और बोल रहा था, रेफरेंस पिक ना होना। अब कह रहा है किसी की कॉपी मत कर। एक बार को बिना डायपर पहने वाले बच्चे पे भरोसा कर लूंगा कि मेरी गोद में आकर टट्टी नहीं करेगा, पर फैशन इन्फ्लुएंसर कतई ही नहीं भाई। ये हिपोक्रेट नामक मादा की सबसे जेठी ओला दे। वैसे भाई तुझे करेक्ट कर दूं, वो नाई वाला नहीं होता, नाई होता है। किसी भी लड़की से चैटिंग करते वक्त तीन गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ये सबसे पहली गलती भाइयों, लड़की से ना हमेशा उसी टोन में बात करो जिस टोन में वो आपको मैसेज कर रही है। अगर उसकी टोन चलवे चूतिया वाली हुई तो क्या कर रहे हो? तो ये बोलो कुछ नहीं बैठा था, नहीं वेला मत दिखाओ अपने आपको, बोलो असाइनमेंट करके निपटाऊं अभी अभी, फोन चला लेता हूँ असाइनमेंट, ताकि मुझे दूध पीता बच्चा समझ ले वो। और कुछ बता दे भाई उसको, ये ना बोल दो कि मेले से रिमोट कंट्रोल गाड़ी लाया था, उसको खोल के उसका मोटर चेक कर रहा हूँ। लाइफ में कभी भी ये तीन चीजें ट्राई करना आपके फेस को पहले बॉडी में यार क्या दिक्कत बनाएगी। रुक 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 रुक, एक तो पहले मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि मैं टिप्स किससे ले रहा हूँ? जिन लोंडो को दाढ़ी नहीं आती उनसे कोई डिनर पे खाने का सजेशन नहीं लेता, और हम तो तेरे से लाइफस्टाइल फैशन का सजेशन ले रहे हैं। चल कर कंटिन्यू। सबसे पहली चीज आपके हेयर्स की क्वालिटी है। मैटर नहीं करता कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है, लेकिन वो ड्राई डैमेज रफ नहीं दिखना चाहिए। ड्राई डैमेज तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन जो उनसा रंग तुमने करवा रखा है तो इंस्टेंट रिजेक्शन दिलवाता है। थपरी हो गए सबसे पहले सब्जेक्ट की किताब का कवर है। सेकंड चीज भाई, आपका फेड, जो साइड फेड होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत ऊपर कराते हैं, बहुत ज्यादा नीचे करा देते हैं। भाई तुम्हारा तो एकदम परफेक्ट है, तुम तो ऐसे दिखोगे कि तुम्हें देखते ही लोग मेट्रो में अपना फोन अंदर रख लेंगे। कान में कोई भी एक इयररिंग डाल के देखो कि आप पे सूट करती है। सलवार डाल लो, थोंग्स पहनने लगूं, एक लॉन्जरी ना ले लूं, भाई तू सही में ही हमें अट्रैक्टिव बना रहा है गंडी। तीन प्रूवन तरीके जिससे आप कभी भी कहीं भी कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। पहला, कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज मत रखना। अरे पूजा यार देखो कितना बढ़िया ओपन बॉडी लैंग्वेज है मेरा, अब तो आ जाओ सो जाओ मेरे साथ। आई कॉन्टैक्टिंग के मास्टर बनो। ट्राई 52 seconds rule 52 मिनट किसी लड़की को देखूंगा ना, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल के क्रीप सर्टिफिकेट दे जाएगी मुझे। देखना है लड़की को, एक्सरे नहीं करना उसका। ताले फिजिक्स में राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हुए तुम्हें मौत आ रही थी, अब 52 seconds rule ये वो। ऐसा करो ना CBSE से बात करके इस पे कोर्स निकाल दो पूरा, लड़की बाद में पटा लूंगा, पहले मेरा रिटर्न एग्जाम ले लो इन रूल्स का ही। जरूरत से बहुत ज्यादा कम बोलो, क्योंकि फिर आप जो बोलोगे ना लोग सुनेंगे, लोग गुणा आराम सोच के छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे साला मन का इतना काला है, सब कुछ अपने अंदर ही रखता है, कुछ नहीं बोलता। नंबर टू, व्हाइल गाइडिंग थ्रू द क्राउड होल्ड योर हैंड एंड हेल्प हर आउट लाइक क्रॉसिंग अ रोड और एनी अदर प्लेस। भाई लेकिन ये हाथ पकड़ने वाला मैं मुजफ्फरनगर मेरठ बिजनौर नोएडा वाली बेल्ट में कैसे करूं भाई? भाई टियर टू सिटी में तो लोग मारे भी बहुत गंदा मुर्गा बनाते हैं लड़की के सामने। नंबर थ्री, जब भी बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हो, जैसे क्लब में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, उसके आगे मत चलो, ऑलवेज वॉक बिहाइंड द गर्ल सो दैट यू कैन सी कोई बंदा बदतमीजी तो नहीं कर रहा उसके साथ। एट द सेम टाइम अपने हाथ आगे रखो और लोगों को हटाते हुए जाओ, शी इज इन दिस एरिया सेफ। जब इतनी गेंद में खा जाए तो लड़की को क्लब लेके ही क्यों जाना है भाई, घर पे ही पिलाऊ ना उसे दारू, जाना भी क्लब है फिर बॉडीगार्ड भी बनना है उसका। जब भी खाने खाने के बाद बिल आता है ऑलवेज पिक अप द
the check, pay the bill. लड़की का नौकर कैसे बने, पांच आसान तरीके. Treat her like a queen and you will be left on scene. Trick number 6 बताना भूल गए भाई. एक गले में पट्टा भी पहन के घूमो ताकि जहां भी तुम जाओ लोगों को पता चल जाए इसका नौकर आया. Self respect तो ये टिप शुरू होते ही चली गई थी घर छोड़ के. ये एक ऐसी ट्रिक है जो प्ले बॉयज और फक बॉयज सबसे ज्यादा यूज करते हैं. असल में इससे होता क्या है ना, जब आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो और जो चाहिए लड़की को सीधा सीधा बताते हो, क्रिएट हो जाती है. मगा दे रही हो क्या जी, मगा करें शुरू फिर. अपने को फालतू बीटी बकचोदी जी, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें चाहिए. भाई तेरी ट्रिक हमें लड़की के साथ घुमा पाए या ना घुमा पाए, पर दिन दहाड़े दोपहर के 12 बजे मुंह काला करके गधे पे जरूर घुमा देगी. एक और चीज है जो उन्हें एक्सट्रीमली मैनली बनाती है और बहुत कम लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, और वो है उनकी डीप वॉइस. क्योंकि डीप वॉइस आपकी मैस्कुलिनिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हाँ भाई, कल किस टाइम निकल रहे हो? अरे मेरी आवाज तो बचपन से ही ऐसी है, तुझे क्या हो गया, तेरी क्यों कच्ची गीली हो रही है ये? ओ मेरी आवाज सुन के भी. वो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो लड़कियां लड़कों में सबसे पहले नोटिस करती हैं? मेरे हिसाब से जो पहली चीज मैं लड़की में नोटिस करूंगी वो उसका फिजिकल अपीयरेंस, इज हेयर स्टाइल, स्माइल, कि वो किस तरीके से स्माइल करता है. ये सारी बातें स्कूल कॉलेज तक ही वैलिड है, उसके बाद तो जेफ बेजोस तहमत बांध के भी आ जाए ना, ये मिनट से पहले पसंद कर लेंगी उसको. भैया पैसे वाला मर्द और सुंदर औरत ये मैटर करती है, बस इसके अलावा सब. पैसे वाला मर्द चाहे रोज सेम कपड़े पहन ले, चाहे कितने ही सादे कपड़े पहन ले, उसको सब पसंद करेंगे. वहीं सुंदर औरत का बैंक बैलेंस भले जीरो क्यों ना हो, लेकिन डिमांड में सबसे ऊपर रहेगी. अगर किसी लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और आप उसे पटाना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप उस लड़की को भाव देंगे. इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके अंदर उस लड़की से भी ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि वो लड़की अपने आप वो सॉफ्ट वाला फ्रेम अडॉप्ट करे. ये कियारा आडवाणी में बहुत एटीट्यूड है, अब इसको बिल्कुल भाव नहीं दूंगा फिर रोएगी मेरे प्यार में. ऑफ कोर्स मत दो भाव साली. सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और भाई सब अपना काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हमारा भी काम एंटरटेनमेंट के लिए ही है, तो बस वहीं तक ही रखो इसे. और हाँ, इनकी थोड़ी सी जो डेटिंग टिप्स थी ना वो ओल्ड स्कूल है. अगर तुम्हें आज के टाइम के हिसाब से चाहिए ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना, हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग. अच्छा हाँ, करेंगे फॉलो, फिर मिलेंगे. कुकर सी सीटी बची लास्ट में भाई, ठीक है. एंड ये जो कैटेगरी है मेरे को नहीं पता था कि ये भी एग्जिस्ट करता है, कि यार ऐसे पटाना है लड़की को, वैसे पटाना है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही है. हाँ, और वो जो बंदा था वो ऐसा बाल छपरी से टी शर्ट अतरंगी पहन रहा था भाई, उसके बाल देख के ही मैं उसके 100 किलोमीटर भाग जाऊँ. मतलब लिटरली ऐसे बंदे मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद. मतलब मेरा कभी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ नहीं है, थैंक गॉड फॉर दैट. लेकिन यार ये बाल कलर ऐसे ऐसे कलर करने की क्या तरह, और वो जुल्फे ऐसी, हम क्या है. और ठीक है ऐसे हम लड़कियां छूटे, मतलब ऐसे ऐसे अच्छा लगता है, ये लड़की लड़कों का ये ऐसा क्या है भाई, क्या ऑब्सेशन है. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.